Mixer kamera ya bu böyle. Tamam. Yeah.
अपनी पलकों से डर यार पे दस्तक देना। और मैं अपने आकाए नेमत की इजाजत से छोटी सी तरमीम के साथ इस रुबाई को पढ़ता हूँ। उनकी इजाजत से कि भीगी पलकों से तेरे यार पे दस्तक देना। भीगी पलकों से तेरे यार पे दस्तक देना। मुझे आवाज हुई, मुझे आवाज हुई, उम्र का सरमाया गया। नारे सारा नस्ल मुस्तफा। मुझे आवाज हुई, मुझे आवाज हुई, उम्र का सरमाया। गुलिस्तान मुफ्ती आजम पाकिस्तान के महकते हुए फूलों, आप इंतहाई खुशबख्त हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की इस हसीन महफिल में, रंगीन महफिल में, महकती हुई महफिल में, जो आका के जिक्र से और सरकार के जिक्र के फूलों की बू से महक रही है, मैं भी और आप सब और अपनी जमात के मुक्तदर उलमा की माहियत में आप सब यहाँ हाजिर हैं। आपने मुझसे कबल एक इंतहाई नामवर शख्सियत से तिलावत कुरान पाक नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके ज़िम्न में उन्होंने अपनी जिंदगी के कुछ बड़े हसीन लम्हात और वाकियात आपके सामने पेश किए। हमारे मेहमान खसूसी जो मेरे पुराने रफीक भी हैं, बिरादरे तरीकत भी हैं, बड़े मोहसिन हैं और बड़ी मुद्दत के बाद उनसे न्याज भी यहाँ हासिल हुआ। मैं तकरीर इंतहाई मुख्तसर करूँगा, बल्कि मैं सिर्फ आधा हाथियों पर करके एक शेर पर अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ। तकरीर के लिए मैं हाजिर भी हुआ और मेरा कुछ हल करना मुनासिब भी नहीं कि रात का काफ़ी वक्त गुजर चुका है और हमारे आज की इस अजीम शान मीराज मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के अजीम मेहमान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद गुलाम कमरुद्दीन साहिब से आज की दामत बरकातुल कुदसिया हैं, जिन्हें सुनने के लिए मैं और आप सभी इंतहाई बेताब हैं। वो अभी चंद लम्हों में वापस तशरीफ लाते हैं। उनकी वापसी तक मैं आप हजरात की खिदमत में चंद मारूजात पेश करता हूँ। जामिया निजामिया रबिया उसकी कारकर्दगी, उसके बानियों नाज़िम आला मुफ्ती आजम पाकिस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अब्दुल क़य्यूम साहब बदारवी रहमतुल्लाह तआला अलैह, एक मैं ही नहीं रह की दुनिया तक आने वाला हर इल्म दोस्त इंसान आपको खिराज हकीकत पेश करता रहेगा। अल्लाह ताला मुजल्ल करीम आपकी कब्र अनवर पर करोड़
रहमतें बरकतें नाज़िल फरमाए। आज हम उस आका की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए अपनी मोहब्बत अकीदत और नियाजमंदी के गजरे पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं, जिनकी मदह सराई, जिनसे मोहब्बत और अकीदत का इजहार, जिनकी अजमत का इतराफ, जिनकी नबूवत का इकरार आम इंसानों ने नहीं किया बल्कि इमाम अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी अलैहिर्रहमा के इरशाद के मुताबिक आप इरशाद फरमाते हैं कि कायनात के अंदर अल्लाह जल्ला मजदूर करीम ने इंसानों के दर्जे मरतबे बनाए हैं। सब इंसान एक मरतबे और दर्जे के नहीं है, और ये एक ऐसी हकीकत है जिसे सब जानते हैं, मानते भी हैं। इमाम रसूल सुनाते हैं, मैं अपने तमाम अजीज साथियों से कहूंगा कि वो इस सिलसिले में मेरा भरपूर साथ है। माशाल्लाह, पहले बैठने वाला भी और बिल्कुल जो आखिर में साथी बैठा है वो भी भरपूर तौर पर मेरा साथ दे, ताकि इस महफिल में एक बहार आ जाए और पता चले कि ये आशिकान मुस्तफ़ा हैं, गुलामान मुस्तफ़ा हैं और अपने आका की बारगाह में मोहब्बत का नजराना पेश करना जानते हैं। इमाम अहले सुन्नत ने ये तकसीम हमारे सामने बड़े प्यारे अंदाज में पेश की है। आप फरमाते हैं कि खल्क से इस शेर में मेरा साथ ना देना, आप ही है ये मैं आपके लिए पढ़ू और आप सुने। खल्क से जनाब सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम से लेकर जनाब सैयदना ईसा
انبیاء علیہ السلام تک عام انسان نہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، وہ رسول، وہ انبیاء، سارے کے سارے میرے اور آپ کے آقا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پاک سے رب اللسان رہے. نہیں نہیں، رب قدوس نے ورفعنا لك ذکرت ارشاد فرما کر اور جبریل امین کی زبان سے اس کی تفسیر کروا کے پیارے آقا ہمارا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ڈنکا چار دھام عالم میں بجایا. کب تک بجایا؟ جب کوئی نہ تھا تب بھی ذکر مصطفیٰ ہے، اور جب کوئی نہ ہوگا تب بھی ذکر مصطفیٰ. جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آقا ارشاد سناتے ہیں، اے جبریل رب قدوس نے ارشاد سنایا ورفعنا لك ذکرک، اے پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. بولیے بلند کر دیا. کریں گے نہیں، ماضی کا سیوا ہے. ورفعنا، پیارے ہم نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. کیسے بلند کیا؟ جبریل عرض کرتے ہیں آقا، مولا کریم فرماتا ہے اذا ذکر تو ذکر پر بھری، پیارے جہاں میرا ذکر ہوگا. کوئی فرق ایسی نہیں، کوئی ذکر ایسا نہیں، کوئی محفل ایسی نہیں، کوئی مقام ایسا نہیں جہاں ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ نہ ہو. امام اہل سنت نے اسی بات کو اپنے اس شعر میں پیش کیا ہے، اور یہی بات رکھ کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. امام اہل سنت سناتے ہیں وہ کریم آقا جس کے ذکر کا یہ عالم ہے کہ عرش پہ بھی جس کا ذکر ہو رہا ہے، فرش پہ بھی جس کا ذکر ہو رہا ہے، شرق و غرب میں، شمال و جنوب میں ابھی آپ کا حساب کی دعا سے سن رہے تھے، آپ حیران ہوں گے کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں. ایک تو ایسا ذکر ہے نا جو رب کریم ان سے بھی کروا رہا ہے، اور جن میں نہ جانے کتنی مرتبہ کروا رہا ہے جو ذکر کو پسند نہیں کرتے، اس پہ فتوے لگاتے ہیں، بدعت کہتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں. ہمیں اس سے غرض نہیں، بتانے کے ہے کہ رب کریم ان کی زبان سے بھی ذکر مصطفیٰ کروا رہا ہے، نہ چاہنے کے باوجود کرا رہا ہے. اسے ناجائز کہنے کے باوجود رب کریم کی زبان سے بھی ذکر مصطفیٰ کرا رہا ہے. آپ حیران ہوں گے اس 24 گھنٹے میں کوئی لمحہ ایسا نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ نہ ہو. تفصیل میں نہیں جاتا، میں زیادہ وقت نہیں دینا چاہتا تھا، اس کی شاید